साल 2000 नॉर्दर्न इंडिया के लिए काफी इम्पोर्टेंट साल था। इस साल 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, 9 नवंबर को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और 15 नवंबर को झारखंड बिहार से अलग हुआ। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड का बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड बिहार से क्यों अलग हुआ, क्या रीजन था कि साउथ बिहार को एक अलग स्टेट बनाने का मांग उठा। साउथ बिहार को एक अलग स्टेट बनाने का मांग हमारे देश के आजाद होने से पहले से किया जा रहा था और इसके पीछे एक काफी इम्पोर्टेंट आदमी थे जिनका नाम था जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 में एक ट्राइबल कम्युनिटी में हुआ था। इनका खुद में एक काफी इम्पोर्टेंट स्टोरी है जिसका बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी जब तक के लिए मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। जयपाल सिंह मुंडा ने अपना पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया और उसके बाद इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम, जिसे अभी हम UPSC के नाम से जानते हैं, उसे भी क्वालिफाई किया। यह हॉकी भी काफ़ी अच्छा खेलते थे। फिर यह इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन बने और इन्होंने इंडिया को ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जिताया। जयपाल सिंह मुंडा ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1929 में साउथ बिहार को एक अलग स्टेट बनाने का मांग किया, लेकिन उनके इन मांग को साइमन कमीशन द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके 10 साल बाद 1939 में इन्होंने आदिवासी महासभा का स्थापना किया और उसके 10 साल बाद 1949 में उस वक्त हमारा देश आज़ाद हो चुका था और देश के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जयपाल सिंह मुंडा पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास यही मांग को लेकर पहुँचते हैं, लेकिन उनके इस मांग को पंडित जवाहरलाल नेहरू मना कर देते हैं यह कहकर भूमि के टुकड़े को बांटा नहीं जा सकता। और यह कहकर पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके इस मांग को मना कर देते हैं। अब यह सवाल उठता है कि क्यों जयपाल सिंह मुंडा एक अलग स्टेट का मांग कर रहे थे। तो उन्होंने इसके लिए 2 मेजर रीजन दिया। पहला, लैंग्वेज और कल्चरल डिफरेंस। जहाँ बिहार में अंगिका, भोजपुरी, बजिका, मंगाही और मैथिली बोला जाता है, वही दूसरी ओर झारखंड में संथाली, मंदारी और कुर्क बोला जाता है। दूसरा रीजन था आदिवासी पॉपुलेशन डिफरेंस। जहाँ बिहार में सिर्फ 1% आदिवासी रहते थे, वहीं दूसरी ओर उस वक्त का साउथ बिहार, जिसे अभी हम झारखंड के नाम से जानते हैं, वहाँ 24% आदिवासी रहते थे। और जो लोग इस सेपरेशन का सपोर्ट करते थे, उनका यह कहना था कि झारखंड, जो उस वक्त का साउथ बिहार था, वह एक हिली एरिया है और मिनरल रिच एरिया है, और वही दूसरी ओर बिहार एक प्लेन एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती किया जाता है। और अगर 2 अलग स्टेट बनता है तो दोनों का गवर्नमेंट अलग हो जाएगा और उसके बाद डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जयपाल मुंडा ने आदिवासी महासभा को झारखंड पार्टी में बदल दिया। अब यह एक पॉलिटिकल एजेंडा बन गया था। जयपाल सिंह मुंडा का इम्पोर्टेंस तब और बढ़ गया जब उनका पार्टी साउथ बिहार में 32 सीट जीता और टोटल साउथ बिहार में 32 सीट था और 32 का 32 उन्हीं का पार्टी जीता। यह 1963 का साल था और उस वक्त CM KV सहाय थे। अलग स्टेट बनाने के मांग को दबाने के लिए KV सहाय ने जयपाल मुंडा को कांग्रेस पार्टी में आने का ऑफर दिया। जयपाल मुंडा ने KV सहाय के इस ऑफर को मान लिया और यह मांग धीरे धीरे कम होने लगा। फिर इस मांग को जयपाल सिंह के स्टूडेंट सिब्बू सुरेन द्वारा उठाया जाता है और सिब्बू सुरेन ने एक पार्टी भी बनाया जिसका नाम था झारखंड मुक्ति मोर्या। सिब्बू सुरेन का पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्या और लालू यादव का पार्टी राष्ट्रीय जनता दल RJD दोनों अलायंस बनाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। पहले तो लालू यादव अलग स्टेट के मांग का सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर बाद में लालू यादव अपने इस बात से मुकर जाते हैं। लालू यादव बोलते हैं, मेरे मरने के बाद ही झारखंड अलग हो सकता है। उस वक्त तो लालू यादव गवर्नमेंट बना लेते हैं, लेकिन 2000 का बिहार असेंबली इलेक्शन रिजल्ट आया और उसमें किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाया था। उस वक्त बिहार में 324 सीट था और मेजोरिटी लाने के लिए, अपना गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी भी पार्टी को
162 सीट चाहिए था मिनिमम। आरजेडी को 224 सीट मिला था, बीजेपी को 67, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 12 और कांग्रेस को 23। लालू यादव कांग्रेस का साथ मांगते हैं अपना गवर्नमेंट बनाने के लिए, मेजोरिटी पाने के लिए। कांग्रेस लालू यादव से गठबंधन तो करता है लेकिन एक शर्त पे। कांग्रेस का कहना था अगर आपका गवर्नमेंट बनता है तो झारखंड को एक अलग स्टेट बनाना होगा, और इस वक्त लालू यादव इस बात पे मान जाते हैं। और 15 नवंबर 2000 को हमें एक नया और अपने देश का 28वां स्टेट देखने को मिलता है झारखंड के नाम से। झारखंड का मतलब होता है द लैंड ऑफ फॉरेस्ट। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।